एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं मंदिर गई थी और अभी मैं आ चुकी हूँ और मैं नाश्ता करने जा रही थी। नाश्ते में मुझे ये मिला था, देख सकते हो आप लोग, कचौड़ी और चना आलू का सब्ज़ी था। तो मैंने खाया और फिर मैं सोच रही थी कि सुबह जगी हूँ, मुझे नींद आने वाला है पक्का। तो अभी मैं खाऊँगी और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए, क्योंकि मैं सुबह जगी तो, और संडे मतलब तो मेरा सोना ही है। तो फिर मैं अभी, तो अभी हो चुका है शाम और मैं मंदिर से आके नाश्ता करके मैं सो गई थी। तो अभी आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि रूम का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। तो झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा लिया है, तो मैं हमेशा अभी इधर ही बैठ के वीडियो बना रही हूँ और ये दीवार मेरा खाली खाली सा लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर कुछ लगाऊं, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं सोच रही हूँ उनको इस पर पेस्ट कर दूं। तो करते कुछ दिमाग लगाते और आपको दिखाते कैसा लग रहा है, बताना आप लोग। ओके, तो अभी मैं पहले तो कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। बेड साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे बेड पे बस इतना सा ही जगह रहता है कि मैं सो जाऊँ अच्छे से। तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इस पर। ठीक है, तो ये हो जाए पहले, इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। और ये भी अभी बाहर ही है, ये जो मैंने वो मरून कलर साड़ी वाला, जो भोजपुरी सॉन्ग वाला जो शॉर्ट्स बनाया है ना, वो यही दुपट्टा है। वो साड़ी नहीं था, वो ये दुपट्टा है। तो इससे ही मैंने इसको ऐसे लपेट लिया था अपने में और फिर मैंने बना लिया वीडियो। तो ये भी अभी तक बाहर ही है और हो चुका है मेरा, बस ये बचा है, इसको मैं कर लेती हूँ फटाफट से फोल्ड। तो कपड़े मेरे हो चुके हैं सारे फोल्ड। तो कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स जो भी मेरे पास। ठीक है, तो ये है बहने दोनों, ये थोड़ा सा खराब हो गया मम्मी पापा का, इसका जो अच्छा वाला है वो मेरा घर पे। ये मेरा भाई, ये चीकू बेबी, ये लीलू। तो इसको मैं अगर ऐसे ही इस पर चिपका दूंगी ना तो ये इसका ये ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे पास ना ऐसे पॉलीथिन कुछ आता है ना ऑनलाइन, कुछ मंगाओ कपड़े तो वो उसमें देते हैं, तो ये मेरे पास है। तो मैं सोच रही थी ना कि इस फोटोज़ को इसमें डाल के फिर मैं चिपकाऊँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो देखते करके ना हो तो अच्छा है। तो फिर मैं इसको इसमें डालती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ लगा के उसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने सारे फोटोज़ को ऐसे कर लिया है, पॉलीथीन के अंदर डाल लिया है। अभी मैं इसको चिपकाऊंगी, चोट लग गया मुझे, ये सेलो टेप मैं काट रही हूँ उस पर लगा के, ताकि ये ढूंढने में परेशानी ना हो। ये गुम हो जाता है ना, इसका वो लास्ट वाला जो होता है, तो इसको मैं इस पर चिपका दे रही हूँ। फिर इसको काटूंगी और फिर मैं देखती हूँ दीवार पे कहाँ पर ये चिपकेगा। सबसे पहले ये फोटो मैं डालने वाली हूँ वो। अच्छा, हमारा एक हो चुका है डन और इसके दोनों साइड, ये थोड़ा टेढ़ा है क्या, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, और इसके दोनों साइड चीकू का और लीलू का। आओ पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। तो एक हो चुका है डन, इसको मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ पास से, तब वो पता चलेगा। अभी तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, लैपटॉप साइड कर। हाँ, तो ये अभी एक लगा है, इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये तीनों बच्चे मेरे हो चुके हैं कंप्लीट और मुझे अब बस अपना फ़ोटो लगाना है, वो मैं नीचे लगाती हूँ। देखती हूँ, दो तीन तो है मेरे पास, पर मैं सोच रही हूँ दो लगाऊँ, ऊपर तीन है नीचे दो, तो करके एक बार मैं देखती हूँ। ये रहा मेरा फोटो, इन्हें लगा के आपको दिखाती हूँ। वेट, ये हो गया है डन, देख सकते हो आप लोग कैसा लग रहा है।
अगर यहाँ बैठ के वीडियो बनाओगे अब मेरा दीवार खाली खाली सा नहीं लगेगा, तो मैं आपको एक बार बैक कैमरा से दिखा देती हूँ जो भी फोटोज है नज़दीक से। तो ये रहा मेरा दीवार, वो फोटो चमक रहा है पता नहीं क्यों लाइट की वजह से। तो ये चीकू बेबी का लॉकडाउन के टाइम का है, ये राखी का मेरा भाई, और ये लीलू को मैंने पहली बार गोद लिया था, मतलब पहली बार उससे मैं मिल ही रही थी तब का है, और ये दो मैं और ये मेरे बच्चे। तो ये मेरा दीवार हो गया डन, और भी मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ इसमें करने का, अगर करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे घोर ही गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो मैं बना रही हूँ फ़ैन ऑफ करके, क्योंकि आवाज़ आने लगता है फ़ैन को और मेरा आवाज़ गायब हो जाता है, तो इसलिए। तो देखते हैं, और फिर मैं जाऊँगी बाहर क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। और फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे भूख लग रही, तो मैं बाहर आ गई थी और मैंने खाया ये बर्गर, और फिर उसके बाद मैंने किया था सोडा, लीची वाला फ्लेवर था उसका। और फिर बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।